मैं फलारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। झारखंड हजारीबाग में अपना छोटा सा कुटिया आरती कुंज के नाम से है। वैष्णव परंपरा से हूँ और फलारी बाबा के नाम से इसलिए प्रसिद्ध हूँ कि मेरा संकल्प है जब तक हिंदुस्तान संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित न हो जाए तब तक मैं अनग्रहण नहीं करूँगा, यह मेरा संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए मैं पूरे देश में धर्म प्रचार के माध्यम से लोगों को धर्म के प्रति जागरूक करने का काम कर रहा हूं, लोगों को एक करने का काम मैं कर रहा हूं, जो हमारा समाज जाति संप्रदाय वर्ग में बटा हुआ है इन्हें एक करने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। देखो, ये विधर्मियों का षड्यंत्र है। ये विधर्मी जानते हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति और धर्म को नष्ट करने के लिए इनके धर्म के प्रतीक मानक चिन्ह जो संत समाज हैं, इन संत समाज को बदनाम कर दिया जाए, क्योंकि संतों के अनुयायी यहाँ के वासी हैं, भारतवासी हैं। हिंदू धर्मावलंबी अपने संतों को अपना आदर्श मानते हैं, उनके कहे अनुसार वो चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो आम जनमानस के मन में संतों के प्रति अविश्वास उत्पन्न कर दिया जाए। देखिए, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आसाराम बापू जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति, जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों व्यक्तियों को सात्विक मार्ग की ओर अग्रसर किया, उन्हें अभक्ष्य भोजन से छुटकारा दिलवाया और सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया, आज वो अगर यदि कारागार में भी हैं तो मुझे पता चला है कि वो कारागार में भी बंदियों को सत्मार्ग की ओर प्रेरित कर रहे हैं अपने प्रवचनों के द्वारा। तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो ये कुकृत कर ही नहीं सकते, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है मुझे। प्रश्न यह उठता है कि सालों वो जो जेल में रहे इसकी भरपाई कौन कर पाएगा? क्या सिर्फ मान हानि से इसकी भरपाई होगी? कदापि नहीं हो सकती। इसके लिए कुछ ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए जिससे कि समाज में जो भी ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, संत समाज से हैं या किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली है, उनके ऊपर ये मनमाने आरोप कोई न लगा सके। और अगर आरोप लगाया और आरोप सिद्ध न हो तो आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, तभी शायद हमें इससे मुक्ति मिल सकती है। आसाराम बापूजी ने मशीनरियों के खिलाफ जो अभियान चलाया और मशीनरियों ने 10-15 साल के अथक प्रयास के द्वारा, जिन्हें अपने हमारे सनातन धर्मावली को धन परिवर्तन करवाया था, उन्हें घर वापसी का जो कार्य किया है आसाराम बापूजी ने, इन्हीं मशीनरियों का तो ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र के तहत तो आसाराम बापू आज कारागार में बंद हैं। और इन मशीनरियों के खिलाफ भी हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी। हम सभी संत समाज को एक होना होगा, हम एक होकर ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। संत समाज का ही काम है अपने धर्म की रक्षा करना, अपने अनुयायियों की रक्षा करना, अपने अनुयायियों के सुनहला और सुरक्षित भविष्य की कामना करना, ये काम संत ही कर सकता है। और इसी काम को आसाराम बापूजी बखूबी कर रहे थे। और सभी जो विदेशी षड्यंत्रकारी हैं, ईसाई मशीनरियां हैं, उनके आँखों की किरकिरी आसाराम बापू बन गए थे। और इसलिए आसाराम बापू को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने अहम भूमिका निभाई, इस प्रकार दुष्प्रचार किया गया आसाराम बाबू के खिलाफ में। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो भी आसाराम बाबू के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, कि आप तनिक भी घबराएं नहीं, धैर्य धारण करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आसाराम बापू जल्द ही कारागार से मुक्त होंगे, आपके सन्मुख होंगे और फिर से आपको अपने प्रवचनों के द्वारा
आपको इस लोक और परलोक को किस प्रकार हम सुधार सकें इस विषय में बताएंगे, और अपने प्रवचनों के द्वारा पूरे संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।